हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एस्टिल्मोस फायर क्या है। एस्टिल्मोस फायर ये एक वेदर फेनोमेना है। आपको ये दिख रहा है कॉकपिट के बाहर स्क्रीन पे, ये जो लाइटें दिख रही है व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की जो लाइटें दिख रही है, ये क्या है दोस्तों? ये है एस्टिल्मोस फायर। आपको ये लाइटें दिख रही है वोल्केनो से जो लाइट निकल रही है, ये क्या है दोस्तों? इस लाइट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस लाइट को बोलते हैं हम एस्टिल्मोस फायर। एस्टिल्मोस फायर, ठीक है दोस्तों। एस्टिल्मोस फायर का नाम एस्टिरेमस ऑफ फॉर्मिया, जो कि नाविकों के एक संरक्षक गुरु के नाम पर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। एस्टिल्मोस फायर हमको बहुत सारी जगह पे मिल सकता है, जैसे कि मास्ट पे मिल सकता है हमको। मास्ट ये आपको दिख रहा है, ये इस पे ये घटना यहाँ भी घट सकती है। एस्टिल्मोस फायर ये जो व्हाइट कलर का जो घट रही है ऊपर, यहाँ पे मास्ट पे मिल सकता है। और ये घटना हमको स्पायर पे मिल सकता है, ये जो आपको स्पायर दिख रहा है इस पे ये घटना मिल सकता है। और ये चिमनी पे भी मिल सकता है हमको ये घटना। और यहाँ पे देखो दोस्तों, एयरक्राफ्ट का जो विंग है इस पे भी ये घटना हमको मिल सकता है। यहाँ पे दिख रहा है एयरक्राफ्ट का जो है विंग्स, उस पे भी ये घटना दिख सकता है। तो बेसिकली एस्टिल्मोस फायर क्या है दोस्तों? बेसिकली जो एस्टिल्मोस फायर है दोस्तों, वो क्या है? यह एक प्लाज्मा है। एस्टिल्मोस फायर इज अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा दोस्तों। एस्टिल्मोस फायर इज फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ये एक प्लाज्मा का फॉर्म है, ठीक है। अब हमको ये समझना है इस वीडियो में, ये घटना होता क्यों है और कब होता है दोस्तों? ये घटना जब बादल गरजती है तभी होता है। जब बादल गरजती है, बादल गरजने के दौरान, मतलब थंडर स्टॉर्म के दौरान ये घटना हमको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये घटना दिखाई क्यों देता है? ये घटना दिखाई इसलिए देता है क्योंकि जब बादल गरजती है, जब थंडर स्टॉर्म के समय वोल्टेज का डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि क्लाउड का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। सेम टाइम पे जो क्लाउड का जो वोल्टेज है और जो अर्थ ग्राउंड का जो वोल्टेज है, वो दोनों का वोल्टेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो वोल्टेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण ये घटना घटती है। और इसको समझने के लिए, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं दोस्तों? आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज मतलब कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, इसके जो एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो गेन होंगे या लूज होंगे। ये घटना हमेशा हमको हाई कर्वेचर एरिया पे दिखेगा, मतलब ये हाई कर्वेचर एरिया पे, जैसे कि स्पायर पे दिखता था, स्पायर पे ये घटना, चिमनी पे, क्यों? क्योंकि वहां पे कर्वेचर बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी भी पॉइंट पे कर्वेचर हाई हो ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कर्वेचर हाई है, मतलब कर्वेचर वाले पे। अगर कर्वेचर हाई हो तो यहाँ पे क्या होगा? करंट, अगर हाई कर्वेचर हो तो उस फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मोर कंसंट्रेटेड हो जाती है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मोर कंसंट्रेटेड हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगी दोस्तों, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोअर। वोल्टेज क्या हो जाएगा? लोअर। जब वोल्टेज लोअर होगा तो वोल्टेज का डिफरेंस आ गया, क्लाउड में वोल्टेज क्या था? हाई था, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये घटना घटती है, एस्टिल्मोस फायर, ठीक है। और ये अगर अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कारण भी ये घटना घटती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये जो कलर जो हमको दिख रहा था, ये जो कलर हमको दिख रहा था ब्लू और वायलेट लाइट जो कलर दिखता है, ये किसके कारण दिखता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण इसका कलर ब्लू और वायलेट दिखता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।